was very revolutionary for me. So yeah, those myths have been broken. So yeah, thank you, sir. Thank you very much for this. Yeah. You're welcome. आगे के लिए क्या कमिटमेंट है आपका, किस तरह से आप? मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ सर, अभी देख के फिर से मैं, I'll go through all the options and then I'll decide sir. ठीक है, ठीक है. हाँ जी, हाँ जी, अभी कौन आ रहे हैं? हाँ जी बताइए, रेनु कौशिक जी. हाँ जी सर, मेरा एक्चुअली पीटीएम शुरू हो रहा है, बस मैं ये बताना चाह रही थी कि सर बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, और ये कि मैंने अपने 5-6 फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दिया है, 10 बजे आज वो आने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि सबको जरूरत है इसकी, और कल मेरी करण जी से भी बात हुई थी और बहुत ही पॉजिटिव मुझे मिला इसके बारे में, तो मैं आपसे सर पर्सनली बात करूंगी, और आज मैं वाटर फास्ट पे हूँ, मैं डिक्लेयर कर रही हूँ. ओके ओके, आपने जिनको फॉरवर्ड किया उसके नाम अनिकेत को दे दीजिए उनके. ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. हाँ सबीना जी, सर इट हैज बीन क्वाइट अ रेवलेशन इन द सेंस कि ये सारी बहुत सारी चीजें अपने को मालूम होती है, वी हैव द नॉलेज, बट प्रैक्टिस में डालना बहुत ही मुश्किल. It's very, very difficult because हम लोग अपने आप से ही you know झगड़ते रहते हैं, forget about others, but we fight with our own selves, and that gets in the way of transforming yourself or looking at things which can change your life. So this has provided actually an opportunity to sit back, मतलब time लेके, you are not rushing through things. You're considering everything that you're doing, you're pacing yourself out, and you're taking time to make those changes. I think that is one big lesson for me, because of the food cycle that you had suggested, jo apne intermittent fasting ke bare mein. So I think in a way, dimag bhi slow ho gaya hai. It has slowed down. It is not rushing in all 10 different directions. And you're able to therefore commit and devote time to make the changes that you need to make in your life. So that has been a big learning for me. So thank you very much. You're welcome. तो आगे कैसे आप engage हो रहे हैं वो भी बताइएगा, और किनको आप आज invite कर रहे हैं अपने आसपास? Sir, I will be inviting my friends. मैंने अभी तक उनको भेजा नहीं है, so I'll be forwarding the link to my friends. हाँ, और उनके जिनको भेजे ना उनके अनिकेत को दे दीजिए, नाम बिल्कुल डाल दूंगी. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक दिस 52 वीक साउंड्स वेरी इज मोर डूएबल देन डूइंग 6 days एवरी मीनिंग डूइंग इट फॉर अ वीक और 2 weeks कंटिन्यूअसली. आई थिंक ये वीकली इज ज्यादा, बिकॉज देन इट विल आल्सो शो हाउ यू आर कमिटेड टू योर सेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ द 5 or 6 days ऑफ द वीक. सो आई वुड प्रेफर टू डू अ 52 वीक डेफिनेटली. ठीक है, ठीक है. हाँ जी, हेलो सर, मैं बात करूं? वीणा. हाँ जी, हाँ जी, करिए. हाँ सर, सबीना जी, यू हैव पुट एवरीथिंग इन सच अ नाइस नटशेल. ओके, ऑल दैट आई वांटेड टू से, यू हैव एब्सोल्युटली पुट इट इन अ वेरी वेरी फैंटास्टिक वे. कहाँ है वीणा जी? अरे अलका, इनको स्पॉटलाइट करिए ना. सर आपने कोच नहीं बनाया मुझे. तो आप कहोगे तभी तो बनाएंगे. सर ठीक है सर, बना दिया. कहाँ है वीणा जी? सर सुनाइए. आप वीडियो तो खोलिए. सर मेरा वीडियो ऑन है सर. सर स्पॉटलाइट कर दिया, बट दिख नहीं रहा कुछ. सर ठीक है सर. सबीना, यू कैन रिमूव योर स्पॉटलाइट. दिख नहीं रही मुझको आप. You can remove your spotlight. Oh, yeah. How can I? On the top, you'll see, no? Just on live. Live? Just beside it, you'll do you have an option for remove spotlight? Yeah. Now it's on. Yeah. I think we have spotlight. Very So, sir. अभी तो करण आ गए हैं. Spotlight. अभी करण आ गए.
अच्छा करण, मैं आपको बनाऊं जरा को-होस्ट? सर सर मैं आपको बना रहा हूं, देखना आप क्या गड़बड़ है। अब आप को-होस्ट हो गए। कौन बात कर रहे हैं अभी सर? वीना, योर वीडियो इज नॉट सीन। अब वीना स्पॉटलाइट पे है लेकिन आपकी वीडियो बंद है, बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ जी बोलिए आप। सर ऑडियो भी काफी है सर, स्पॉटलाइट नहीं चाहिए। बोलिए। मैं तो 100% सबीना जी से सहमत हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन जो कुछ भी उन्होंने बोला है वो परफेक्ट है और बहुत लाइट भी अभी तो वेट फील कर रहे हैं। आज सोच रही हूँ कि वाटर फास्टिंग करूँ, देखेंगे होता है कि नहीं। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन टू टाइप्स ऑफ कमिटमेंट। एक तो मैं 52 वीक्स का देखूंगी सर, इफ इट इज पॉसिबल थोड़ा सोच के। एंड आई वुड लाइक टू बी एसोसिएटेड विद, जो आप किचन गार्डनिंग बोल रहे हैं वो थोड़ा पैशन है। आप में जब मैं थोड़ा दिखाती हूँ, ये हमारा घर है और इसमें बहुत सारे प्लांट्स और गार्डन्स हैं, आई मीन घर में। तो मेरा ये ड्रीम था हमेशा कि मैं एक किचन गार्डन बनाऊं, तो इसलिए मुझे वो हेल्प चाहिए सर आपसे, और मैं उस डायरेक्शन में आपसे जुड़ी रहूंगी। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। थैंक यू। हाँ जी और कौन आ रहे हैं? देखिए जिनको जल्दी है अपनी शेयरिंग करके जा सकते हैं। और नील जी को ले लेते हैं। नील जी आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। आई एम नील एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद। एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि आई हैव सम प्रॉब्लम और या तो मुझे कुछ अपने हेल्थ के लिए ज़रा कुछ कंसर्न है या इसके वजह से ज्वाइन करना। बट आई जस्ट लाइक द थीम ऑफ योर वर्कशॉप और दैट हैज अट्रैक्टेड मी कि कैसे मेडिसिन फ्री रहना है और कैसे हेल्दी रहना है। तो मैं उस पर्पज से ज्वाइन किया था एंड इट हैज बीन अ ट्रिमेंडस लर्निंग। 5 दिनों में सेल्फ अवेयरनेस आ गया, खुद को मालूम पड़ गया मैं अभी कौन हूँ और मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली हम लोग इतने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े रहते हैं, हमको खुद को जानने का भी कोई ऐसा मौका मिलता नहीं है, हम कोशिश नहीं करते। आई थिंक दिस 6 days हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का एक मौका मिला कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ या तो मेरे लिए क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है। पर्टिकुलरली जैसे खाने का हमें बहुत ऐसा रहता था कि जब भी मौका मिले या तो जब भी मन हो कुछ खा लो, बट अभी ऐसा लगता नहीं है कि कुछ खाने का जैसा, जब रिक्वायरमेंट जब भूख लगते हैं अंदर से जैसे पेट में थोड़ा वैसा होता है तो ठीक है थोड़ा खा लेते हैं या तो कुछ जूस पी लिया कुछ इस टाइप से। और दूसरी बात है जैसे कनेक्ट टू नेचर है वो तो सही एकदम बिल्कुल, मैंने मुझे ऐसा कन्विंस हो गया ऐसा लग रहा है। मैंने जैसे अभी आप बोल रहे थे कि हम लोग ब्रीडिंग एक्सरसाइज से काफी कुछ चीजें अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया जैसे आज भी मुझे थोड़ा बहुत अच्छा बैठते टाइम पे कायुत्सर्ग में थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि कुछ कुछ इधर उधर खुजली होना या तो कुछ बॉडी को मूव करना, बट आई डिड नॉट डू एनीथिंग। मैं अपने आप बॉडी को ही बोला कि तुम ही इसको हील कर लो। So I did not attempt to, you know, do anything from my side. एक तो ये है और दूसरी बात सर आज मैंने तो एक अपना पर्सनल रिकॉर्ड ही बना लिया सर। So I did 160 total सूर्य नमस्कार सर। अरे वाह क्या बात है। और मैं तो आपको देखा भी नहीं, वीडियो भी नहीं देखा, कौन क्या कर रहा है, आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे। इनफैक्ट देर आर सम डिस्टर्बेंस ऑल्सो, मैं कुछ भी नहीं देखा, मैं अपना काम करता गया। आप बीच में शायद बाकी एक्सरसाइज भी बोले, मैं तो वो भी नहीं कर पाया आज, क्योंकि मैं बिगिनिंग से लेकर के लास्ट तक ऑलमोस्ट आई वाज ओनली डूइंग सूर्य नमस्कार। और जैसे मैंने मेरा अभी तक का बेस्ट है 70, बट टुडे आई ब्रोक इवन माय डेट रिकॉर्ड एंड आई डिड 160 सर। एंड आई डिड नॉट फील टायर्ड सर, 160 सर, आई डिड नॉट फील 160 करण जी क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो टायर्ड भी नहीं फील किया और आई स्टिल आई थिंक आई हैव दैट एनर्जी टू डू मोर।
और बाकी तो मैंने आपको बता दिया सर, खाने पीने का तो मैं अभी कुछ ऐसा ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं मेरे को. आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन, आई डोंट फील हंग्री एंड इवन माय एनर्जी, जैसे मैं पहले होता था कि जैसे काम वाम करके थोड़ा सा 4 बजे 5 बजे थोड़ा सा सोने का जैसा रहता था, मन करता था कि थोड़ा सा रेस्ट ले लूं, लेकिन अभी तो मैं ऐसा रेस्ट भी नहीं लेने का, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं पड़े, बट द बॉडी इज नॉट टेलिंग मी कि यू नीड रेस्ट. सो आई रियली एंजॉय सर, अद्भुत, थैंक यू सो मच फॉर यू नो गिविंग दिस काइंड ऑफ एन एजुकेशन टू मी. इवन दो आई एम फिट एंड फाइन, बट as I said, my purpose to join this course was not to, you know, do something for my this thing, to get rid of some disease or get rid of some sort of difficulties. But basically, I joined this course because, as I said, koi medicine field se belong kiya. I took early retirement. I was a director in a pharmaceutical company in an MNC. Throughout my career, I was in the pharmaceutical industry and I did a lot of research work. So, main pharmaceutical science se belong karta hoon. But I left that job to pursue some of the other things that I love to do in my life. Isliye maine abhi, my age is 48. I just quit my job 2 years back and I am a full-time professional trader now. I am into the stock market. So totally changed my scientific field to a kind of financial field. So I love to do what I really, you know, love in my life. So that's why I quit my job early. एंड अभी तो मैं इतना ये 5 दिन में मुझे ऐसा लग गया कि ये तो बहुत कुछ हम और आगे कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम एंड ऑल द लर्निंग्स दैट यू हैव गिवन सर. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू सर. सर आगे भी जुड़ा रहना है? हाँ सर, मैं अभी वो कल करण जी से भी बात हुई थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था सर, तो मैंने भी अपना वो इच्छा जताया, मैंने उनको बोला कि आई एम इंटरेस्टेड, बट अभी आपने जो चीजें अभी दिया वो एक बार मैं देख लेता हूँ. एंड होपफुली लाइक सबीना जी, मे बी वीकली वंस वाले प्रोग्राम पे ज्यादा शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि रिमेनिंग डेज में मैं थोड़ा मॉर्निंग टाइम और थोड़ा पोस्ट मामले मेरा थोड़ा बिजी रहता है, बट वीकेंड वाला सैटरडे है तो मेरे लिए कन्वीनियंट भी है, और प्लस मैं बाकी चीजें भी जो मुझे करना है वो भी मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ. तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो विद दैट 52 weeks, सो दैट इज माई कमिटमेंट. राइट, थैंक यू, वेलकम. हाँ जी सर, मैं कुछ बोलूं सर? हाँ आइए. ये सैटरडेज का क्या सर है? सिर्फ सैटरडेज करना है तो? कौन बोल रहे हैं? कविता सर, बोल रही हूँ, सॉरी. वीडियो ऑन कर लीजिए कविता जी. हाँ सॉरी सॉरी. हाँ कविता सर, जी सर, इसमें ये है कि हाँ कैसे लोग कनेक्टेड रहें, तो हमारे हाँ. मतलब 4 कार्यक्रम है. एक तो ये है कि भाई आप महीने में 2 कोर्स करें कम से कम इस प्रोग्राम को अच्छे से समझने के लिए. आप जब रिपीट करोगे तो नेक्स्ट लेवल होगा, ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी. देखिए करण जी ने जैसे 1 महीना किया तो 10 किलो वेट रिड्यूस कर लिया इन्होंने, और जैसे रागिनी ने किया है 1 महीने का, रेखा जी ने भी किया है, कई लोगों ने किया है. 1 महीना कम से कम आप प्रोग्राम को 4 बार रिपीट करें. 2 बार रिपीट करते हो तो उसमें 6,000 का खर्चा है, 4 बार करोगे तो 10,500 का है. ये प्रोग्राम है रिपीट का. ये नहीं कर सकते, 3 महीने के एडवांस प्रोग्राम है, और एक 3 महीने और फिर हमारा जो है कोच वाला प्रोग्राम है, 1 साल का है वो. नहीं, तो ये वो नहीं करें तो ये जो सैटरडे का प्रोग्राम है ये 52 वीक का प्रोग्राम है. ओके, 52 वीक में हर शनिवार को आइए आप, तो आप अपनी प्रैक्टिस करिए और फिर आके 1 बार सप्ताह में हमारे साथ करिए, ठीक है ना. और शाम को जो हम करेंगे स्पेशल क्लासेस उसमें आइए. तो 52 वीक का एक कमिटमेंट के साथ वो है, तो जो 52 वीक को कमिट करते हैं 1 साल के लिए, उनको हम एक गिफ्ट भी दे रहे हैं, डिटॉक्स किट भी दे रहे हैं उनको. तो 52 वीक की पूरा रेजुविनेशन प्रोग्राम है वो, और सिर्फ उसमें आपका 2,000 रुपए महीने का खर्चा है. ओके, ठीक है, वो ये प्रोग्राम है. फिर जब भी आपका मन करे तो एडवांस प्रोग्राम आप कर सकते हो. ओके, लेकिन इससे आपका कनेक्टेड रहोगे आप, एक तो आप कनेक्टेड रहोगे और आपका डेवलपमेंट होता रहेगा. okay. और आपके आपका अगर एक भी रेफरल महीने का आता रहेगा तो ये पैसा भी आपको मिलता रहेगा वापस. ये चीज है. तो इसमें आप मिशन के साथ तन मन धन से जुड़ गए ना, थोड़ा सा तन थोड़ा सा मन थोड़ा सा धन लगा के इस मिशन में भी आपका योगदान रहेगा, और आपका अपना स्वास्थ्य भी बेहतर होता चला जाएगा. हर वीक अपनी रिपोर्ट बनाओ, आप पर्सनल ऑडिट करो वीकली, आप वीकली रिपोर्ट तैयार करो और उसको आगे चल के ऐप बन जाएगी, तो उसमें वीकली लोग अपना अचीवमेंट डाल भी सकते हैं.
सर एक और सवाल है सर, मेरा अभी वेट लॉस हो रहा है, कितने दिनों तक होगा सर वेट लॉस? देखिए ये नहीं कहा जा सकता, आप आपको अपना देखिए वो तो केस स्टडी बनाएंगे आपकी। ओके आप तीन महीने का कम से कम करें तो आपकी केस स्टडी बनाकर फिर पर्सनल हैंड होल्डिंग आपकी हो सकती है। ओके तो उसके लिए वो प्रोग्राम है, क्योंकि ये तो आपको अपना खुद से ही देखना होगा और धीरे वो अपने आप सेटल हो जाता है, वैसे नेचर कर लेती है। मुझे मुझे थोड़ा डर लग रहा था वेट लॉस के बारे में, तो नहीं 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 डरने की जरूरत नहीं है, और वेट लूज नहीं करना मुझे। हाँ तो ठीक है, तो आप जैसा प्रोग्राम करोगे बॉडी को वैसा होगा। ओके तो इसलिए तो देखिए शुरुआत है ना, इसलिए हम कहते हैं और अच्छे से समझने के लिए कुछ समय रहिए आप प्रोग्राम के साथ। छह दिन में सारा नहीं समझ सकते, हाँ जी ठीक है ना, बाकी सब समझ तो अंदर से आएगी, हम तो सिर्फ आपको थोड़ी गाइडेंस ही प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी ओके, मैं सोच के बता। करण कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी करण जी, कविता, आई थिंक दैट वेट लॉस तो मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, प्रोबब्ली इफ यू आर इन द मॉर्निंग यू कुड प्रोबब्ली यूज वेजिटेबल, सॉरी यू कैन यूज फ्रूट्स जूसेस टू इफ यू वांट टू इंक्रीज। आपकी आवाज कम आ रही है करण जी, आवाज को थोड़ा ठीक करो, आप तो बहुत कड़क बोलते हो। पता नहीं क्या हुआ है, सुनाई दे रहा है? हाँ अब ठीक है, बेटर। Kavita, I think it's about losing and gaining. If you want to gain, probably you can go on the fruit juice in the morning instead of vegetable. People want to lose weight can go on vegetable in the morning. So it will help you that way. Thank you. I don't want to lose any more weight. That's why. Try more fruit juices instead of vegetable. I'm only on vegetable. I'm think I'm still want to lose another 4 or 5 kilos. Kitna simple hai. Kitna simple hai bataiye. Sir, एकदम स्ट्रिक्ट से पालन करेंगे ना, रिजल्ट पक्का मिलेगा सर। ठीक है, और कुछ कहना चाहें करण आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए? नहीं, आपका एक महीने का जर्नी कैसा रहा, पहले जो छह दिन का कैसा रहा था और अभी कैसा रहा? सर छह दिन का जैसे था, मेरे को तो मुझे तो मतलब क्या बोलते हैं, 3 दिन में ही एहसास हो गया कि ये 6 दिन का बिल्कुल नहीं होएगा। रियलाइजेशन तभी हो गया था, जैसे अभी बहुत सारे जन है इधर, they are kind of still hesitant. तो उसी hesitant मेरे को तो I am sure because the past मैंने जितने भी courses किए हुए हैं तो उसमें तो मुझे मालूम, I know my personality, my behavior and the way I respond to things. I needed a solid handholding. वो नहीं तो बिल्कुल नहीं होता है। छह दिन के बाद तो कल सर मैं 100% लिख के देता हूँ कि अगर कल क्लास नहीं रहेगा तो 80% people will not practice. They'll take that as it's not like your rest day or a me time and it'll happen. जब तक हैंड होल्डिंग नहीं होएगा, until and unless you don't have a whip in front of you or somebody who's there to talk to you or a group to be part of, आप इसको बहुत you take it very lightly, ये seriously नहीं लेंगे सर, and that is a very you know general when you are you know these things especially ऐसे courses में क्या होता है, means that's my understanding, I might be wrong in some cases, कि until unless you don't have a proper hand holding or a place to go, a place to meet, a place to listen, अपना commitment level बहुत कम हो जाता है. It easily, you know, you will deviate yourselves to all unwanted things. And that's happened for all our years. In all these 48 years, you know, you have conditioned in such a way कि जो अपना comfort zone है, you'll easily slip into that comfort zone. थोड़ा मुश्किल करना है तो then you'll probably टाल देते हो. You probably push it for some more time. And I've really felt that, and I didn't want to miss this opportunity to be part of this. And I've been getting inspired by so many people here, learning from them, and unka jo anubhav se bhi seekh mil raha hai. And I'm picking it from you. Every class is a learning from me. Jo mere ko pehle hafte mein nahi samajh mein aa raha tha, abhi mere ko 5th hafte mein samajh mein aa raha hai. So that's clearly understandable, sir. You can't make this whole experience of what you have taught in 6 days, it's impossible. So at least you, that's an investment for myself, for my own health. And it's a wise investment. That's what I feel for myself. And I want to be committed and I want to learn. And I'm sure this has to be a lifestyle for me. And I love this lifestyle for this. Jo 5 hafte mein mereko transformation mila hai, jaise mera anubhav hua hai, jo mera thought process hai, mera achar hai, mera behavior jo hai, मेरे इर्द गिर्द में जो
लोग जो डिफरेंस मेरे को मतलब नजर आ रहा है मेरे को, आई एम फीलिंग दैट इज अ अमेजिंग चेंज, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन. मेरा फोकस लेवल्स हैव इंक्रीज्ड, माय थिंकिंग हैज बिकम शार्प, एंड दिस इज नॉट हैपेंड इन दिस 48 इयर्स ऑफ माइन. तो इफ दिस इज द केस, व्हाई shouldn't this be part of my life forever? And if I'm able to influence, or if I'm able to talk to people and at least motivate them, and why not? It has to be, sir. And what you have put, probably there are some learnings and unlearnings. So hota hi hai. That is a, like you are a startup itself. And at your age, I have to salute you for what you have done. And this, bahut sare cheez correct kar sakte hain. Imagine after a year, if this is the way it is going to be, people who have attended now will certainly see the transformation in the way this has been presented. Probably a lot of people might find that. And I feel this is, you have to give a chance for this to improve, a chance for this to take it to the next level. And it certainly will happen. And this will only happen by people's participation. Lot of organizations have gone through this experience. Lot of startups have gone through this experience. And this is how people grow also. And as a like-minded people, and we feel your content is amazing and it's so proved, and I have proved it myself on a 1 week's, 1 month's time, 1 month and a week's time, this will surely be benefited to others. And I feel that this has to reach every common person, and it has to be more accessible too. And that's my wish and that's my prayer, sir. Thank you very much, Karan. Such an inspiration. So youth, आप इस युद्ध के लिए बहुत नील, और आप आपका जो अनुभव है कि ऐसे लोग ही आए ना, उनको बहुत क्रिटिकल इलनेस नहीं है, लेकिन वो लोग आए और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी. तो कॉर्पोरेट्स के लिए ये चीजें कितनी उपयोगी हो सकती है. देखिये, हर कॉर्पोरेट में एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट, लेकिन क्या हम HR अपने HR को बढ़िया नहीं कर रहे हैं क्या, बताइए आप. हमारे जो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है. मैं एक 5 मिनट के लिए बोल, एक 2 मिनट बोलता हूँ. हाँ, बोलिए, आइए आइए. रेखा जी, मेरे पहचान वाले 3 कपल्स आ रहे हैं सर आज सेमिनार को. हाँ, 3 कपल और मेरा फैमिली डॉक्टर और हमारा टेनेंट और हमारा एक रिलेटिव है, वो सभी आ रहे हैं. अरे वाह, क्या बात है, ये हुई बात. लेकिन वो ज्वाइन होते कि नहीं, मैंने उनको बोला सेमिनार अटेंड करो, आपको अगर कन्विंस हो गया तो आप ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि फोर्स नहीं कर सकती हूँ मैं, फिर भी मैं करूंगी, बाद में कन्विंस करने का ट्राई करूंगी, पहले उनको सेमिनार तो अटेंड करने के लिए बोली हूँ. तो एक हमारा डॉक्टर आ रहे सर, फैमिली डॉक्टर, मैंने बोला ना आपको, जिसने मुझे देखकर बोला बहुत तेज हो गया, बीपी भी कम हो गए वगैरह, वो भी आ रहे कपल, और हमारा टेनेंट एक कपल है वो आ रहे है, और हमारा अंकल एक है हैदराबाद में रहते है, वो हैदराबाद में अभी तो विशाखापट्टनम में शिफ्ट हुए, वो भी आ रहे है सर. तो उनका नाम दे दो क्या मैं आपको? हाँ हाँ, अनिकेत को नाम दे, भेज दीजिए नाम और फोन नंबर भेज दीजिए. ओके ओके, हाँ, चले तो वो लिस्ट बना लेगा जो आएंगे ना, तो उनसे बाद में भी पूछ लेंगे प्रोग्राम करने के बाद में भी. हाँ, प्रोग्राम के बाद में मैं भी एक बार उनको कांटेक्ट करूंगी इवनिंग में. हाँ, अभी प्रोग्राम तो करने दो मॉर्निंग. हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम करने दो. ओके, आप अपना अनुभव शेयर करो, अपना अनुभव अब तक क्या हुआ आपको, कितने कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए आपको? मेरा 1 महीना हो गया है. हाँ. मैंने करण के साथ ही ज्वाइन किया था, शायद 1 महीना और 1 वीक हो गया शायद, मुझे लगता है. हाँ. तो मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव अनुभव है. मेरा वेट भी कम हो गया है, 5 किलो से भी ज्यादा कम हो गया है, और बीपी कम हो गई है, और मेरा गुस्सा कम हो गया है, वो तो मैं रोज ही बोल रही हूँ. ओनली थिंग इज थोड़ा सा मैं अभी मुझे कायत सर में उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं आ रहा है, मेरे मन को पकड़ में नहीं पा रही हूँ मन को. मैं भी, मेरा मन थोड़ा बहुत चंचल है. ये तो मेरा ही है, आपका कोई दोष नहीं उसमें. तो वो नहीं हो रहा है अभी तक, वो हो जाएगा, लेकिन वो भी होता है, लेकिन 100% आई एम नॉट गेटिंग, जैसे करण बोल रहे हैं ना, उतना मैं कैंसर में इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ. इट्स ओके, हो जाएगा वो, बट बाकी का तो बहुत बढ़िया है, काम करने में बहुत उत्साह है, और वही तो बोली ना, गुस्सा कम हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा लेवल कूल एंड काम रहता है, ये तो चल रहा है सर. और वेट तो कम हो गए, 5 किलो से ज्यादा कम हो गए. तो 1 महीने में ये अचीवमेंट काफी नहीं है क्या? हाँ, बहुत है, बहुत है, लेकिन मुझे वही तो डर लग रहा है सर. अभी तो मैं फुल डाइट पर हूँ, अभी फ्रूट्स एंड सैलड के सिवा कुछ नहीं खाया,
एक ही बार दो बार रोटी खाया था सिर्फ, वो भी मैंने अभी छोड़ दिया है। लेकिन अगर रोटी खाने लगो तो बढ़ जाएगा क्या, डर लग रहा है, फिर भी मैं ये डाइट पर ही रह रही हूँ अभी। देखो डर, पहले तो डर को निकालो। ओके पहले डर को निकालो और उसके बाद में जो अच्छा लगता है वो खाओ। ओके अगर इडली वगैरह अच्छा लगा तो खा सकते हो। खाओ ना, खाओ ना, कहा किया है हमने। ओके ओके सर रेखा जी को फॉरगिव करने का है सर, वो नहीं हो रहा है, प्लीज मदद कीजिए। हाँ, वो तो है। और मैं सर को बताया, मैंने ओपन मैं तो ऐसे मन में रखकर ऐसा नहीं करती हूँ। कई कई लोगों को मैं फॉरगिव नहीं कर सक रही हूँ, वो करने को ट्राई कर रही हूँ मैं सर। देखिए फॉरगिवनेस के ऊपर एक कार्यक्रम हम डिजाइन कर रहे हैं अलग से, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, लव योरसेल्फ हील योर लाइफ, उसमें फॉरगिवनेस करना ही सिखाते हैं। तो अगर किसी को चाहिए, 10 अगर पार्टिसिपेंट हो जाएंगे तो हम संडे को बैच शुरू कर सकते हैं उसका, 3 महीने का प्रोग्राम होगा वो। ओके ठीक है ना। ये 1 साल का, ये मैंने 7 दिन का प्रोग्राम किया था और 2 लाख रुपए फीस भरी थी इसकी। और ये प्रोग्राम हम बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे करा सकते हैं लोगों को, और 3 महीने में, क्योंकि 1 हफ्ते में कुछ सीख आता नहीं आदमी को, सब भूल जाते हैं। 1 हफ्ते में जितना सीखोगे और 6 दिन में भूल जाओगे उसको। तो हमने उस प्रोग्राम को 3 महीने में डिवाइड किया है और संडे में स्पेशल बैचेज हम उसके ले सकते हैं कि लोगों को कैसे फॉरगिव करना है। तो उसमें आप एनरोलमेंट करा दीजिए, 10 लोग हो जाएंगे तो वो प्रोग्राम हम शुरू कर देंगे। ओके ओके सर ओके वो तो करा लूंगी मैं। और मुझे अभी जुड़ना है, आपने बोला ना इसका कोई डाइट का कोई तो प्रोग्राम बोल रहे हो ना, वो पहले शुरू कर दूं क्या सोच रहा हूँ। मैं तो कोच बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत, मेरा हिसाब से बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है, देखेंगे आगे। मैं अभी सोच रही हूँ, मैं सोच के आपको मैं कल फोन करूंगी, कल बता। हाँ जी ओके सर ओके। हाँ जी मनीषा कुमार जी बताइए मैडम जी, क्या अनुभव है आपका और आगे क्या कमिटमेंट है, क्या आप कैसे कंधे के देखिए आपके हस्बैंड जो है वहां काम कर रहे हैं, मतलब सेना में, हम भी उस पर काम कर रहे हैं। अगर हम अपने देश के नागरिकों को मजबूत बनाएंगे, ये भी राष्ट्र को मजबूत करने के लिए है कि नहीं है। जिनकी हम रक्षा कर रहे हैं वही कमजोर अगर है तो कैसे होगा। सर मैं कमजोर हूँ, वो बिल्कुल कमजोर नहीं है। हाँ तो आपको भी मजबूत बनना है ना, आपको यहाँ फ्रंट पे लड़ना है। देखिए एक तो वहाँ फ्रंट पे लड़ता है हमारा सैनिक, और एक घर में रहकर जो महिला काम करती है वो भी तो फ्रंट ही है ना, तो उसका भी मजबूत होना जरूरी है। तो बताइए आपको भी वॉरियर बनना है। हाँ जी, हाँ जी। हेल्थ वॉरियर सर, वो तो शायद जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन बन गई थी मैं। इतने सेपरेशन हुए और इतने डिफिकल्ट एरियाज में वो पोस्टेड थे, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसर्जेंसी होती थी, और मेरे पास न्यूज़ आता था कि ये चल रहा है वो चल रहा है। तो वॉरियर तो मैं उसी दिन बन गई थी, और छोटे छोटे बच्चों को अकेले, मतलब काफ़ी टाइम साथ भी रहे हैं बट काफ़ी सेपरेशन भी बहुत हुआ है। तो सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ मुझे। और मैं तो जब मैंने ये फेसबुक पे प्रोग्राम देखा तो मुझे लगा कि फेसबुक इज फेक बुक, तो इसकी चीज़ों पे जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। बट आई एम अमेज्ड कि मतलब मुझे ऐसी चीज़ मिली, आई थिंक शायद मेरा, आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज मैं ढूंढ रही थी कुछ ऐसी चीज़, एंड आई वॉज विजुअलाइजिंग फ्यू थिंग्स जो कि मुझे अचानक से इस प्रोग्राम में मिली। तो आई डोंट थिंक कि दिस इज़ अ कोइंसिडेंस, दिस वॉज अ डिज़ाइन, अ ग्रैंड डिज़ाइन, पार्ट ऑफ ग्रैंड डिज़ाइन। एंड मतलब तो दूसरा ये है कि सर हम दोनों का ये मिशन कॉमन है। वी डोंट बिलीव इन द एन्जॉयमेंट ऑफ, आई मीन जो जैसे पार्टी ड्रिंकिंग एंड ये, इसमें कहीं एक सुख की अनुभूति ना है ना हम उस रास्ते पर चलते हैं। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि सबको अपनी, जैसे आपने बोला ना, अपनी डाइट ढूंढ लेनी चाहिए, वैसे ही हमें भी अपना जीवन का लक्ष्य और हमें किससे खुशी मिलती है वो ढूंढ लेना चाहिए। तो सर आइडिया तो था कि हाँ हमें ये अच्छा लगता है, वी शेयर्ड अ कॉमन इंटरेस्ट। तो बट आपने जो एक डिज़ाइन दे दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे रास्ता है, ऐसे सीढ़ी है, आप ऐसे चलो, एक प्रोग्राम बना के दे दिया सर, डेफिनेटली दिस इज द जर्नी विच आई थिंक वी वुड, बोथ ऑफ अस वुड लाइक टू गो अहेड ऑन दिस। बट अभी एक चीज़ है, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू, बट जब वो छुट्टी पर यहाँ पर आएंगे तो मैं एक बार उनके साथ फिर से ये वर्कशॉप करूँगी आपका, एंड देन डेफिनेटली कुछ करेंगे सर।
और मैं डिस्कस सोचती हूँ आपने जो प्रोग्राम जितने बताए हैं उसके बारे में, आई डिस्कस विद हिम ऑल्सो एंड देन वी डेफिनेटली आई विल कम बैक टू यू। और दूसरा जो आपने स्कूल का शेयर किया सर, तो वो एजुकेशन हमेशा से ही मुझे अपील करता रहा है और हमेशा मैंने सोचा कुछ करूँ। स्कूल में भी हमेशा वैल्यू एडिशन किया सर, व्हेनेवर आई वाज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। बट अभी जो जब आपने जो चीज़ें बताई उसके बाद मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा कि शायद यही मेरा ड्रीम था और यही मेरा विजन था और आपने उस विजन को क्लैरिटी दी है। तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड कल से जब से आपसे बात हुई है मेरी, तो माई हस्बैंड वॉज टेलिंग मी कि तुम्हारा तो बात करते करते ग्लो आ रहा है फेस पे, आई डोंट नो हाउ ही कुड सी वन। मुझे भी लग रहा है आप तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड लग रही हो आप मुझे। पहले दिन जब आई थी आप, वो फोटो देखो और अभी देखो आप। हाँ जी सर, मुझे याद है। थैंक यू सो मच। तो देखिए कैसे हो सकता है, चीजें कितनी आसानी से हो सकता है, यही बात हम कर रहे हैं। चलिए और धीरेन भाई आप आइए। धीरेन भाई बताइए सर, आपको कितना समय हो गया है, अब आपका फाइनल अभी तक का अचीवमेंट क्या है, क्या मिथ टूटे हैं आपके, पहले परिचय दीजिए अपना। सुप्रभात मित्रों, मैं धीरेन पटेल सूरत गुजरात से बात कर रहा हूँ। मेरा यार फोर्थ वीक कंप्लीट हो चुका है। मिथ तो बहुत सारे जो सर ने बताया सारे टूट गए हैं। मैंने पहले भी एक बार डाइटिशियन से कंसल्ट करके वेट लॉस किया था, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं था क्योंकि उसके साथ कनेक्शन में नहीं थे। तो आपको कोई भी चीज़ सस्टेनेबल रिजल्ट चाहिए तो कनेक्शन में रहना बहुत ज़रूरी है सर। इसलिए मैं आपका चाहूँगा कि आपका हेल टू फॉर्चून प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहूँगा बिल्कुल। और वेट लॉस तो हुआ है मेरा, 4 से 5 kg वेट लॉस हुआ है और वेस्ट का इंच लॉस भी हुआ है। और थॉट प्रोसेस और लाइफ में करना क्या है, क्लैरिटी एक आ गई है, एक रास्ता मिल गया है कि किसके ऊपर चल के हम क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों चीज़ अगर आपको अचीव करनी है तो इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। धीरेन पटेल फ्रॉम सूरत। हाँ जी, मोनी जी हैं, रंजना जी हैं, आशा जी हैं, उम्मीद जी, एसपी पांडे जी, देखिए सबको थोड़ा सा अपनी शेयरिंग करना है। सर उम्मीद, हाँ जी उम्मीद आ जाइए जी। उम्मीद जी वीडियो वीडियो खोल लीजिए अपना। हाँ जी जी सर, उम्मीद अजमेर से, और 6 दिन का ये प्रोग्राम सर फेसबुक से देखा था मैंने और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इस तरह के प्रोग्राम अटेंड करता रहता हूँ तो उसी सिलसिले में ये था। खास तौर से कोविड हो गया था तो पिछले 1-2 महीने से मेरा खुद का अपना कोई रूटीन शेड्यूल रहा नहीं था। वैसे मैं 15 साल से इसी तरह के शेड्यूल और रूटीन में जी रहा हूँ और कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट मैंने अभी 15 साल में किसी भी चीज के लिए लिया नहीं। तो उसको रीगेन करने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, नया सीखने के लिए मैंने अटेंड किया था। तो मेरा ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे मिलने का, जुड़ने का, और 6 दिन में, और इस तरह की डाइट पे मैं पहली बार रहा। हमेशा मैं बुखार आता या कुछ और आता तो 1-2 दिन के लिए नहीं खाता या केवल फल जूस ले लेता, लेकिन जो एक बार मैं करना चाहता था 1 वीक, वो मेरा अब पूरा हो गया। तो इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मैं राजस्थान से हूँ सर, अजमेर से। तो राजस्थान आप कभी आइए, इनविटेशन है मेरा आपको भी, पूरे ग्रुप को भी। कभी भी कोई राजस्थान आना चाहे, खास तौर से अजमेर हूँ मैं, पुष्कर है पास में, बहुत ही ब्रह्मा मंदिर है, ब्रह्मा की नगरी। और सर आप रणकपुर जैन मंदिर के बारे में अगर सुने तो वो बहुत ही खूबसूरत है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन इंडिया। तो आप पधारिए, स्वागत है। तो सबका ही शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इट वॉज वेरी नाइस प्रोग्राम। सर जुड़े रहना है प्रोग्राम से, कैसे जुड़ना है ये देख लो आप। हाँ ये आपके मैं और प्रोग्राम्स देखता हूँ सारा सर, और हाउ वी विल डिस्कस इट एंड आई विल कॉल यू। ठीक है, थैंक यू सर, यू आर वेलकम। हाँ जी सर, नील हियर सर, वन मोर टाइम। हाँ नील जी बताइए सर। मैंने अभी वो मैसेज फॉरवर्ड किया अपने 5 दोस्तों को। हाँ जी बट आप बोल रहे थे सर इसमें हम 6 लोगों को भेज सकते सर। हाँ जी, इज द लिमिट इज ओनली 5 और वी कैन सेंड इट टू 6 पीपल सर। हाँ 6 पीपल तक आप दे दीजिए तो उसमें कोई शुल्क नहीं देना आपको, जैसे 200 लेते हैं पर पर्सन। लेकिन 6 एक्सेप्ट नहीं किया, वो 5 ही लोगों को बोला, वो वी कैन सेंड इट टू ओनली 5 पीपल इट सीम्स।
नहीं वो शेयरिंग हो रहा है ना, तो शेयरिंग का उसका नियम है व्हाट्सएप का. ओके ओके देन आई कैन सेंड. वो दोबारा आपको भेजना होगा. हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके 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 वही क्लैरिफिकेशन के लिए. हाँ वो आप ज्यादा को भी भेज सकते हो, लेकिन ज्यादा को भेजना होगा तो उनको शुल्क देना होगा थोड़ा सा. नॉमिनल छह लोगों तक आप फ्री दे सकते हो. यस यस. तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दे देता हूँ. हाँ जी, उनके उनके नाम और कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए. ओके थैंक यू सर. हाँ जी, सबका हो गया. तो मेरा एक पर्सनल पूछने का था. सबका हो गया है क्या सर? नहीं अभी होना है एसपी पांडे जी. ओके ओके लास्ट में बोलते. हाँ जी, आप तो बाद में भी बात कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है रेखा जी. हाँ जी पांडे साहब. ओके सर. ओके हेलो. हाँ जी. हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम करके ये, और स्पेशली जो 18 आवर्स का जो आपने फास्टिंग विंडो बताया उसको तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ. और मेरा रूटीन इतना डिस्टर्ब था, सोने का, खाने का, उठने का, बैठने का, तो पूरा रूटीन मेरा एकदम से वो हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है. सुबह उठ के मैंने जिंदगी में कभी सूर्य नमस्कार नहीं किया, वो भी मैं करने लग गया, वो भी 35-35 कर रहा हूँ. तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी सर. और मैं आगे भी जुड़ना चाहता हूँ. मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि प्रोग्राम के डिटेल्स वगैरह जो है तो आप ग्रुप में डलवा दीजिए. हाँ वो डलवा देते हैं अभी. हाँ जी हाँ जी. अनिकेत बहुत धन्यवाद सर. यू आर वेलकम सर. कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं? मैं सर रायपुर से हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में. नेशनल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके 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 जी सर. रायपुर में तो हमारी कई संस्थाएं हैं, मैं आपसे बात करूंगा. जी सर. और जिसमें अभिभावक विद्यालय है, जीवन विद्या का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर वहां चलता है. अच्छा रायपुर में सर कोई ग्रुप है क्या आपका? हाँ जी है. पर उसका डिटेल नहीं दिया था, उसका डिटेल नहीं दिया आपने. मैं आपको शेयर करूंगा. और हाँ. अभी हमारा जो ये जेजे हैप्पीनेस का ग्रुप तो नहीं है, बना देंगे वो उसको ग्रुप को, वहां से कई लोगों ने किया है प्रोग्राम. लेकिन उसके अलावा और हमारी सिस्टर कंसर्न्स हैं जो वहां अच्छे प्रोजेक्ट कर रही हैं एजुकेशन के ऊपर. जी जी उनका भी भेजिएगा. हाँ सर उसका. हाँ जी हाँ जी. ओके सर थैंक यू. हाँ जी मोनी जी है, विष्णु जी है, सुप्रियाना जी है. गुड मॉर्निंग. हाँ जी गुड मॉर्निंग जी. आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अच्छे से बोलिए. हाँ सर, मैं जसविता बोल रही हूँ फ्रॉम मुंबई. मैंने एक वीक किया था, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया था, एंड देन आई फेल्ट आई कुडंट कंटिन्यू. तो इसके लिए आपसे बात करके मैं आप अपने आप को अनम्यूट करिए. हाँ जी अब बोलिए. योर प्रोग्राम इज रियली कंप्लीट होलिस्टिक पैकेज, एंड ऐसे मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए थे, लेकिन आई थिंक जो लगाव आपसे हो गया आई थिंक किसी से नहीं हुआ था उतना. एंड द प्रॉब्लम इज सर कंटिन्यूटी, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. आई कैन कंटिन्यू बिकॉज फिलहाल मेरा जॉब है, तो मैं सुबह 8:30 निकलना होता है एंड शाम को आते आते 8 बजते हैं. तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कनेक्ट विथ यू आफ्टर माई रिटायरमेंट नेक्स्ट ईयर. बट अभी फिलहाल मैंने सर 100% तो नहीं दिया है, बट फॉर वॉट 50% में भी आई हैव डन. तो उसमें भी मुझे फायदा, आई हैव लॉस्ट अराउंड 3 kgs. एंड सूर्य नमस्कार जो मैंने कभी एक या दो भी नहीं कर पाती थी, वो अभी ऑलमोस्ट 20-25 तक कर पा रही हूँ. एंड काफी इम्प्रूवमेंट है. बट सर फूड मेरा एडिक्शन से नहीं मन जा रहा है अभी तक, चाय से नहीं जा रहा है. अफकोर्स आई एम हैविंग विद कोकोनट मिल्क, नॉट विद द रेगुलर मिल्क. डेयरी प्रोडक्ट तो है नहीं, बट स्टिल सर आई वॉन्ट टू रियली एब्जॉर्ब इट फुल्ली. मैं आज करण से बात करने वाली हूँ जस्ट टू गेट अ लिटिल मोर एनकरेज. एंड कैसे अपना वो 6 आवर्स का विंडो भी नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, and how to connect with you more. I'm trying to just think on it sir, but your program is too good and I really wish everyone should continue for a longer period.
I really wish to get connected with you for lifelong, sir. Thank you बहुत so much for it. आप कब retire हो रहे हो? Sir, next year. Just waiting to get retired. And तो जल्दी हो जाओ retire ना. Sir, I am just waiting for कुछ VRS आ जाए तो retire हो जाऊंगी. But waiting for something. चलिए ठीक. Sir, next year अभी हो जाएगा. And I'll just work on this. 52 weeks का अगर हो सकते हैं तो join कर लेती हूँ. But sustain daily sir आप चाहिए. Like I want to. तो आप daily करो ना मेरे साथ. आप एक घंटा डेली करो 6 से 7. आप 5:30 बजे आ जाओ और 7 बजे चले जाओ बस. या बट देन फाइनेंशियली आल्सो आई हैव टू सी सो आई वर्क ऑन इट सर. मैं आपसे बात करूंगी. आप बात कर लो ना जब रिटायरमेंट में आपको इकट्ठा मिले तब दे देना. क्या बात है उधार कर लेंगे. दैट इज रियली नाइस ऑफ यू. मैं आपके साथ राजी हूँ कैसे भी करना चाहो. फिर तो मिलकर काम करेंगे ना. या सर्टेनली वो दैट इज इम्पोर्टेंट. क्योंकि क्या अपने आप से ना शायद नहीं होगा. ऐसा लग रहा है कि इफ आई एम ट्राइंग टू बी ऑन माय ओन इट वोंट बी पॉसिबल. अभी अभी घर कहाँ है आपका? मुंबई में, बोरिवली में. अच्छा मुंबई रहते हो आप. अच्छा तो क्या मुंबई में केंद्र बना देंगे आपके घर पे? एक जेजे कैफे बना देंगे वो आपको? उसको आई एम रियली मैं आ जाऊंगा एक बार आके कैफे बना दूंगा आपके यहाँ बस. और फिर आप definitely plan है ये सर. क्योंकि मैं ऑलरेडी आई मीन टू हेल्थ फूड एंड एवरीथिंग. क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं लेकिन वो जो 6 hours का विंडो और वो सब नहीं समझ पा रहे. तो शायद ओवर ईटिंग भी हो रहा है मुझे. तो इट इज हेल्थी. वो समझाएंगे ना आपको. वंडरफुल सर. एक प्रोग्राम आपका बॉम्बे में करेंगे तो आई थिंक मेनी ऑफ देम आर देयर ऑलरेडी इन बॉम्बे. सो विल इट डन. अब तो लॉकडाउन खुल गया. जम्मर जी आप बुला लीजिए. 10 लोग होने चाहिए आपके पास. 10 लोग आपने जुटा लिए तो हम आ जाएंगे. श्योर डेफिनेटली सर. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. सिप्रियाना जी आइए. सिप्रियाना जी मैडम जी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज डाल रहे हो आप. अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए और बात करिए. सर उनका गुड मॉर्निंग सर. माय वीडियो इज नॉट वर्किंग. अच्छा चलिए बोलिए आप. योर सेशन इज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू मे बी फॉर 3 months ऑन दिस 52 वीक्स. ठीक है मैडम जी. थैंक यू सर. तो आज आप बात कर लीजिए मेरे से जो भी समय कन्वीनियंट हो 1 बजे के बाद. श्योर. हाँ जी. और मोनी जी और पवित्र जी. मोनी जी पवित्र जी और सतीश जी. मोनी जी आ गई. सर नमस्ते. नमस्ते जी. हाँ जी मैडम कितना समय हो गया है आपको और अब तक का क्या अचीवमेंट है? अपना परिचय दीजिए. मैं मोनी बोल रही हूँ औरंगाबाद महाराष्ट्र से. मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और मैंने फेसबुक से ये बॉडी विदाउट मेडिसिन एंड बी पेन फ्री इसके लिए मैंने ज्वाइन किया था और मेरा ये 4th week है और मैं काफी इससे बेनिफिट पा रही हूँ पा चुकी हूँ और मैंने 90% मैंने अपने आप को मतलब कन्वर्ट मतलब क्या बोलते परमानेंटली आई हैव कन्वर्टेड माई सेल्फ. आई कुड कन्वर्ट. लेकिन सर मुझे एक बोलना था कि अभी ये मेरा जो 4th week है तो मेरा मतलब वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ ऐसे 3 weeks तो एकदम परफेक्टली फैमिली वाज सपोर्टिंग मी फॉर मेकिंग द फूड एंड ऑल. 4th week में सर सब मतलब जो हमारे रूटीन है कुछ दिन स्ट्रेस होता है जॉब का बोलो या फिर घर पे कुछ प्रोग्राम ऐसे शेड्यूल में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ सर. तो थोड़ा सा सर पेन फिर से रीगेन हुआ है मतलब स्लाइड हुआ है और फुल टाइम जो इसमें मतलब ऑल रिचुअल्स कैन बी डन ड्यू टू ऑल दिस बिजी लाइफ. तो सर इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे सर? ऐसे तो इसमें डेली मतलब लाइफ लॉन्ग तो हम इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाते ना सर. मॉर्निंग या फिर ऐसे थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हो ही जाएगा ना. तो इन सब को सर हम कैसे ओवरकम करें ये मुझे अभी 4th week होने के बाद थोड़ा लग रहा है सर. How can we manage all this stress and continue? अच्छा एक बात बताओ आपके कितने बच्चे हैं? 2 है सर. 2 कितने बड़े बड़े हैं?
एक 17 साल का है बड़ा और छोटा अभी 12 साल का है। अच्छा, जब पहला बच्चा हुआ आपके तो तब क्या हुआ, लाइफ सारी डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई? हाँ, यस सर। वो डिस्टर्बेंस पेनफुल था या प्लीजेंट था? हाँ, लिटिल पेनफुल। हाँ? राइट। तो लेकिन वो सारा समय कहाँ से निकला, कितना बच्चा समय मांगता था, कितना समय देना पड़ता था बच्चे को, 6 महीने 1 साल 2 साल समय दिया कि नहीं दिया आपने उसको? हाँ, राइट सर। उसी समय में से समय निकाला ना? जी सर, आपने एकदम परफेक्ट एग्जांपल दे दिया सर। बस ऐसी समझो आप, ये खुद को आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो अभी भी जिंदा है, वो 1 साल का 2 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा अभी भी जिंदा है, अब उसको समय देना है, उसको नर्चर करना है, उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर मांगेगा, वो देना है जी, उसको जी प्यार करना है। जब उसको प्यार करोगे ना तब समय निकलेगा ये, नहीं तो नहीं निकलेगा। जी सर। बाकी सर एकदम 100% सर आपका प्रोग्राम फ्रूटफुल है, और मैंने काफी लोगों को बताया, काफी लोग पूछ रहे हैं मुझे ट्रांसफॉर्मेशन देखकर, दे आर इम्प्रेस्ड एंड दे आर आस्किंग, एंड आई हैव सजेस्टेड इवन माय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, शी इज द सीनियर मतलब एमडी बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर एंड शी इज फ्रॉम एलोपैथी डॉक्टर फैमिली, शी इज ऑल्सो वेरी मच इम्प्रेस। शायद वो आज ज्वाइन होंगे सर, पता नहीं उनके बिजी शेड्यूल में से वो ज्वाइन होगी या नहीं, पर साथ में आ जाओ ना, आप भी आ जाओ ना आज। आज कितने बजे तक आ जाओगे आप? आप रहोगे आज हमारे टेस्टिमोनियल में, नाम डाल दूं आपका? हाँ चलेगा सर, 4 टू आगे है ना सर, 10 बजे से 1 बजे तक है आज। आज 10 से 1 है क्या? हाँ ओके। तो उनको जो इनको इनवाइट भेजे उनके नंबर भी दे दीजिए आप हमें, अनिकेत को दे दीजिए। अच्छा ठीक है सर। और उनके कोई क्वेश्चंस होंगे तो बाद में रोक के उनको मोटिवेट करिए, बात भी कर लें 12:30 बजे के बाद जी, और बाद में भी बात कर सकते हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आपके 1 बजे के बाद भी मुझसे बात कर सकते हैं, फिर समझ के फिर एनरोलमेंट कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ठीक है ना, और तभी कन्विंस हो जाए तो तभी करा दें, फिर अगर कोई मुझसे बात करनी है तो बात करके करा दें, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, ओके सर, थैंक। हाँ जी सर, नमस्कार, पवित्र बोल रहा हूँ सर, नोएडा से। हाँ जी सर, बताइए कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ जी सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, वो हमारा चल रहा है घर पे, कर रहे हैं हम उसको कोशिश, और हो भी रहा है, काफी अच्छा हो गया अब तो। 50 सूर्य नमस्कार एक टाइम में हम कर लेते हैं 12 मिनट में, जो कि पहले कुछ नहीं हो रहा था, और पूरी बॉडी अब फ्लेक्सिबल होती जा रही है धीरे धीरे। और जो आपने अनाउंसमेंट आज करी है प्रोग्राम की, बहुत अच्छी करी है सर उसमें, वो अब लोग ज्वाइन करना चाहेंगे भी और करेंगे भी। तो जो आपने प्रोग्राम छोटे छोटे डिजाइन कर दिए हैं, बहुत अच्छा लगा उसमें। मैं भी अभी करता हूँ बात वाइज से, और कोशिश करूंगा उसको कोई ना कोई प्रोग्राम ज्वाइन करने की। तो यही आशा करते हैं आपके ऐसे ही आगे फॉलोअर्स बढ़ते रहें, और ये प्रोग्राम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे और लोगों का भला करता रहे। और सर, हमने अपने क्लीग और अपने रिलेटिव ने उनको भी किया था फॉरवर्ड ये, तो वो नंबर भी आपको वहाँ शेयर किए थे, तो अब अनिकेत जी को वो उन्होंने बात करी है या क्या हुआ है, तो उसका थोड़ा सा वो देखना आप, वो शायद आज ज्वाइन भी करेंगे ये मीटिंग को। ठीक है सर, ठीक है थैंक यू सो मच सर, थैंक फॉर होल्डिंग अस सर। आप आइए दोनों अपना अनुभव शेयर करने के लिए आज प्रोग्राम में। नहीं सर, आज है नहीं, उनकी भी क्लासेस हैं राधिका की। अच्छा, और मेरा भी कहीं जाने का है आज। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, यू आर वेलकम। हाँ जी सतीश जी, बंदी हो गई सर, बंदी हो सर, नहीं देखिए नहीं, 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 सर, फाइनल स्ट्रोक आपका होना है सर। देखो आपने सबको सुन लिया है, अब इसको क्लोजिंग रिमार्क आपका चाहिए, जैसे वो होता है ना जो किसी भी सभा का अध्यक्ष होता है, वो बाद में फिर क्लोजिंग रिमार्क देता है, वो करते सभापति। बताइए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए सर जी। हाँ जी
बोलिए सर। नमस्कार, मैं नमस्ते। हाँ, थोड़ा आवाज ठीक कर लीजिए अपनी सर। और मैं बर्टली कॉलेज बीदर में पढ़ाता हूँ सर, एडवोकेट प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आवाज आ रही है क्या करण जी इनकी? आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रहा है सतीश, वॉइस इज ब्रेकिंग सतीश। हाँ सर जी, आवाज को ठीक करो, हेडफोन हटा दो, बिना हेडफोन के बात करिए। Is it audible now, Karan? Yeah, better, Satish. Okay, now I am Dr. Satish Biradar from Bidar, Karnataka, and I joined this program 1 week back, and this is my second week. And I have my very unique experience about this. Like, what I want to say is that JJ sir is doing an excellent job, because I also done many, many programs like this. And to tell about this program, see, in 1 week, we cannot learn anything. Because in first week, when we enroll for this program, wo sabhi sir ke upar se jata hai, phir sir bolte hai ki aap mere ko dekho, karo, phir usme samajhne mein aadha time jata hai, phir kuch dekh nahi paate, kuch kar nahi paate. Phir agar sabhi log ek mahina, ek hafta ya do mahina aisa jude rahenge, to hi kuch they can get some good results. And secondly, as you know, Manisha was telling that, you know, that Facebook is a fake book. We also have this experience of, you know, getting cheated by the Facebook programs. So this is a genuine program. It is not a fake book, that I want to tell to everyone. And third is, we have to improve, because I am a professor of nutrition, and we teach to the students and all. We need to improve a lot, because what I am seeing in this program is that people in the age group of 40 onwards, they are immensely getting benefited, because they are always on the positive energy side of balance, right? So anyone who is, say, around 20, 25, 30 has to have a different kind of programming here, because their requirement is totally different from what we need, because now we are all nearing 50. So we have enough resource reserves for energy and protein. The body can sustain it for 3 months, 6 months, and you'll feel better. But after you come out of these reserves for proteins and energy, you got to be replenishing yourself with proteins. Otherwise, I'm telling you, it is going to be very, very deleterious for your health. You cannot be, depriving yourself from protein, then you will end up with sarcopenia. You will have a very lethal effect on the body. This I, because since I am a student of nutrition, let me tell you very, frankly, for the benefit of the group, that we have done a lot of research, we have done a lot of studies. So, isko ek hi isme leke nahi chalna hai aapko. Once you are depleted with your reserves, you have to, go with some other regime. Then you cannot be on fruits and vegetable diet, which I'm trying to tell you. And you have to incorporate a bit of proteins. You have to incorporate a bit of, milk or paneer and all, to be very sustainable and very effective. Otherwise, you will end up having, the breakdown of muscles, which is the powerhouse of energy in our body. अगर वो मसल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो लाइफ को थोड़ा सा ये हो सकता है. एंड रेस्ट 90% आई कैन से दिस प्रोग्राम इज वंडरफुल प्रोग्राम. वी कैन स्टिल मेक इट बेटर. वी ऑल कैन जॉइन हैंड विद जेजे सर एंड वी कैन स्टिल मेक इट स्टिल बेटर एंड बेटर एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन. एंड होप दिस प्रोग्राम रीचेस एवरी होम, बिकॉज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डूइंग सूर्य नमस्कार एंड आई एम टेलिंग इट्स अमेजिंग. माई वेट इज नॉट कमिंग डाउन. आई एम स्टिल worried, because last 2 weeks I think I only after a month or so I may get some good results. So, but hoping to be with this program for some good time, and with our full support to JJ sir, and we'll make it excellent contribution for this nation building, and what JJ sir's dream is there, to make it a very, very global world class dream of JJ sir. Thank you, sir. Thank you.